राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। भगवान की रची हुई वस्तुएं सबको सुख देने वाली हैं। पृथ्वी सबको स्थान देती है। जल सबकी समान रूप से प्यास शांत करता है। सूर्य सबको बराबर प्रकाश देता है। वायु सबको समान रूप से श्वास देती है। तात्पर्य है कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबको सुख आराम देने वाली है, बंधन करने वाली नहीं। भगवान की माया सृष्टि को अपना मान लिया, यह बेईमानी है। इस बेईमानी से बंधन होता है। साधक दो तरह के होते हैं। एक में स्वाभाविक ही त्याग वैराग्य रहता है और दूसरे सत्संग सुनकर पुस्तक पढ़ के भगवान में लगते हैं। ऐसे साधकों की सत्संग के समय जैसी वृत्ति रहती है वैसे दूसरे समय में नहीं रहती। सत्संग का असर धीरे धीरे उतर जाता है, वे पुनः भोगों में लग जाते हैं। उनकी यह शिकायत रहती है कि सत्संग से कोई लाभ नहीं हुआ, पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं। उनमें एक परिवर्तन जरूर होता है। काम क्रोध आदि का वेग पहले जितनी जोर से आता था उतनी जोर से अब नहीं आता है। पहले वे जितनी देर ठहरते थे उतनी देर अब नहीं ठहरते। पहले वे जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। सत्संग करने से इन तीन बातों में फ़र्क पड़ता है, तो सत्संग में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। यह अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। कैसी लगी जानकारी ये भी बताइएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह और भी रोचक कहानी के साथ। और आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं पूजा पाठ से जुड़ी हुई, और पूजा सामग्री, पूजा विधि, ये सब हम आपको वीडियो में अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कल से नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे शुरू हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।